हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज भास्कर। तो मैं आज आपके साथ देखिए इंपॉर्टेंट जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे, साथ ही साथ आपको लिंक आपको कैसे मिलेगा, साथ ही साथ आप कौन से वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकेंगे, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आप कैसे अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ आपको लिंक भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस जो कि इंटरफेस है ऐसा जो अप्लाई का जो कि आपका वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिएगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि योर जो कि आपका न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको कौन सा अप्लाई करना है, तो मैं देखिए यहाँ पे बीएड दे रहा हूँ। ओके, आपको अगर एमए एमएससी कोई भी ओपी आप क्लिक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ बीएड दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद आगे ईमेल आईडी। ओके, मैंने ईमेल आईडी ये दे दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेंड रजिस्ट्रेशन लिंक। तो एक रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेल आ चुका है मेरे यहाँ पे जीमेल में, तो मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, जीमेल में चेक करके मैं यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे, तो आप क्या कीजिएगा, फिर से बैक टू लॉगिन में आइए। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो कि एक लिंक आ चुका है। ओके, अप्लाई का, तो यहाँ पे देखिए बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का लिंक है मेरे पास आ चुका है मेल में। तो आप मेल अपना अपना चेक कीजिएगा, आप ईमेल आईडी राइट दीजिएगा। ओके, जो कि आपके साथ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो लिंक है। ओके, तो लिंक आएगा, तो यहाँ पे देखिए जीमेल में भी आया हुआ है। जीमेल से भी मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर मेरा जीमेल लॉगिन है। तो यहाँ पर जीमेल देखिए, जीमेल है, तो जीमेल यहाँ पर मेरा लॉगिन है, वहाँ से भी मैं चेक कर सकता हूँ मेल। तो यहाँ पे देखिए मेल आएगा। ओके, तो मेल आने के बाद क्या होगा कि आपको तो यहाँ पे जीमेल मेरा आ चुका है। तो देखिए जीमेल यहाँ पे आ चुका है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करना पड़ेगा। ओके, अगर लिंक जो कि क्या होगा, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ, तो ये मेरा ईमेल आईडी हो गया। तो मेरा नाम देख रहा हूँ यहाँ पे भास्कर, देखिए मेरा नाम भास्कर चमला है, उसके फ़ोन नंबर ये। तो ये रजिस्टर में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया। ये पासवर्ड एक आया है, तो पासवर्ड को आप क्या कीजिएगा, तो ये पासवर्ड को आप फ़ोटो एक लीजिएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट है लीजिएगा, याद रखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ का स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये स्क्रीन या फ़ोटो भी मार सकते हैं आप अपने मोबाइल से ही। ओके, तो मोबाइल से मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया। ओके, तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद तो मैं देखिए लॉगिन पर जा रहा हूँ। लॉगिन में जाने के बाद क्या होगा कि आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। सबसे रजिस्टर ईमेल आईडी क्या था मेरा, ओके, तो रजिस्टर ईमेल आईडी। ओके, तो देखिए रजिस्टर ईमेल आईडी दे रहा हूँ मैं। तो रजिस्टर ईमेल आईडी देने के बाद पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर मैं दिखा कर ही दूँगा आपको, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए पासवर्ड दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, पासवर्ड के बाद आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो पासवर्ड के साथ ही साथ तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड थोड़ा अटपटा सा दिया हुआ है, तो आप चेंज कर सकते हैं बाद में। तो देखिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं तो पासवर्ड में साइन इन कर रहा हूँ। ओके, तो साइन इन करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो क्राइटेरिया देख लीजिएगा। यहाँ मैं सेव कर रहा हूँ पासवर्ड। तो देखिए यू हैव नॉट क्रिएटेड योर प्रोफाइल, क्रिएट योर प्रोफाइल। सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करना, ये आप याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट जो कि ग्रेजुएशन का पीडीएफ में देना पड़ेगा। सारा डॉक्यूमेंट्स आप पीडीएफ में दीजिएगा, मार्कशीट पीडीएफ, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक। ओके, और साइज जेपीजी होना चाहिए, 50 KB होना चाहिए फोटो का, डॉक्यूमेंट्स का इतना होना चाहिए। तो ये सारा क्राइटेरिया आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि क्रिएट माई प्रोफाइल, मैं क्रिएट माई प्रोफाइल में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो कि मेरा नाम होगा फादर नेम। ओके, तो फादर नेम दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए फादर नेम, उसके बाद फ़ोन नंबर कोई सा भी एक दे रहा हूँ मैं। उसके बाद फ़ोन नंबर देने के बाद मदर नेम। ओके, तो आपको हेल्प हो, मैं इसीलिए डेमो बना रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद ऑक्यूपेशन तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप एड्रेस दीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बैंक अकाउंट, हॉस्टल, ये सारे आप दीजिएगा। ओके, तो ये था प्रोसेस। उसके बाद देखिए मेरी मम्मी का जो कि हाउस वाइफ है मम्मी, तो हाउस वाइफ दे रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए आपका फ़ोन नंबर। ओके, मदर का कोई भी एक दे रहा हूँ। ओके,
उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि गार्जियन फोन नंबर, ओके तो गार्जियन नेम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे देखिए, गार्जियन नेम लिख रहा हूँ, आप कोई सा भी एक लिख रहे हो आप अच्छे से लिखिएगा, ओके तो कोई सा भी नंबर एक दे दूँगा मैं। उसके बाद आपका जो कि यहाँ पे इंडियन सारा यहाँ पे फिलअप हो चुका है, तो आप जेंडर दीजिएगा, जेंडर में उसके बाद ब्लड ग्रुप जो कि ए पॉजिटिव है मेरा, नेगेटिव, उसके बाद देखिए कास्ट, देखिए मेरा ओबीसी है, आप जी जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप दीजिएगा, तो हिंदुइज्म है, उसके बाद नॉर्मल, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम है तो अगर आपका कुछ दे सकते हैं एनसीसी या कुछ, मेरा तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर गेम खेला है तो मैं ये दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के बाद ये सारा ये ऑक्यूपेशन रुक चुका है, तो देखिए कल्टिवेशन है, कल्टिवेशन कल्टिवेशन दे रहा हूँ, तो आप स्पेलिंग कुछ हो सकता है, आप उसमें माइंड मत कीजिएगा क्योंकि आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ, मैं तो खुद अप्लाई नहीं करूँगा, तो देखिए यहाँ पे नंबर में, और तो देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखिए थोड़ा डाउट हुआ है। उसके बाद देखिए ये हो गया, तो एड्रेस लाइन आप खुद भी फिलअप कर सकते हैं, फिर भी आप एड्रेस लाइन में दिखा रहा हूँ, तो एड्रेस लाइन आप अच्छे से देखिएगा, ये आप खुद भी फिलअप कर सकते हैं, ओके तो यहाँ तक मैंने आपको बोल दिया, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं और उसके बाद आप अपलोड करके कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, तो देखिए आप सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपका जो कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप दीजिएगा डोमिसाइल का, ओके वोटर आईडी, पेरेंट कुछ भी एक दीजिएगा, बीपीएल कार्ड, तो ये सारा आप दीजिएगा, उसका एड्रेस देने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, आप अच्छे से इसी तरह से आइडिया से कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो ये था वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।